गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद गौड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन साहू इंस्टीट्यूट के चैनल में। तो लास्ट में अपन ने कंजनल हार्ट डिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज अपन जिस डिसीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट कंजनल हार्ट डिसीज, मतलब जन्म से ही बच्चों के अंदर होने वाली हार्ट से संबंधित डिसीज। उस डिसीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसे अपन कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, या फिर इसे पीडीए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो डेफिनेशन में अपन चलते हैं, तो क्या है गर्भस्थ शिशु, मतलब प्रेग्नेंट, सॉरी गर्भस्थ शिशु मतलब क्या होता है कि जन्मते ही बच्चा, ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट बेबी, ठीक है, मदर प्रेग्नेंट होती है तो मदर के वुम्ब के अंदर जो बेबी होता है, गर्भ के अंदर बेबी होता है, उसे अपन बोलते हैं गर्भस्थ शिशु, ठीक है। गर्भस्थ शिशु में पल्मोनरी आर्टरी का द्विभाजन स्थल एवं डिसेंडिंग अओर्टा एक संरचना आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी का द्विभाजन, द्विभाजन मतलब जहां पर पल्मोनरी आर्टरी का विभाजन होता है, जहां पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वह दो भागों में बंटती है, जो पल्मोनरी आर्टरी का पॉइंट चिन्ह होता है, जहां से पल्मोनरी आर्टरी जो है वह दो भागों में बंटती है, तो वह स्थल, वह विभाजन जो होता है एवं डिसेंडिंग अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा जो होता है उसके उस जगह पर एक संरचना होती है, एक द्वार होता है, और उस जगह से डिसेंडिंग अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है, जिसे डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले डक्टस आर्टरियोसिस कैसे किसे कहते हैं, तो बेबी जो होता है वह माँ के वुम्ब के अंदर रहता है, माँ के गर्भ के अंदर रहता है, तो उस समय क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी का जहां से विभाजन होता है, जिस जगह से दो भागों में बंटती है, उस जगह से क्या होती है वो अओर्टा के साथ में जुड़ी रहती है, ठीक है। गर्भकाल में रक्त से फेफड़ों में न जाकर डक्टस आर्टरियोसिस से होकर सीधे डिसेंडिंग अओर्टा में पहुंचता है, ठीक है। तो जब बेबी जो होता है गर्भकाल में होता है, प्रेग्नेंट पीरियड में होता है, तो उस समय क्या होता है ब्लड जो है वो फेफड़ों में नहीं जाता है, ठीक है, वो सीधा कहाँ जाता है डक्टस आर्टरियोसिस, जो डक्ट होता है आर्टरियोसिस के बीच में, उस डक्ट से होकर सीधा अओर्टा के अंदर जाता है, और अओर्टा के बाद बेबी के बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन जन्म के बाद शिशु द्वारा सांस लेना प्रारंभ करना होता है, ठीक है, मतलब बेबी जब माँ के वुम्ब में होता है तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लेसेंटा से मिलती है, वह सांस नहीं लेता है, सांस की प्रक्रिया होती नहीं है बेबी के अंदर, लेकिन बेबी जब बाहर के एनवायरमेंट में आता है, जन्म लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है सांस लेना प्रारंभ करता है एवं ऑक्सीजन के दबाव में वृद्धि के कारण, ठीक है, जैसे ही वह सांस लेना शुरू करता है तो जन्म के लगभग 24 से 72 घंटों के बाद जो है वह डक्ट जो होता है आर्टरियोसिस का, वह डक्ट जो है अपने आप क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका फंक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। वो डक्ट तो वैसा का वैसा रहता है, लगभग 3 या 4 महीने के बाद वो डक्ट बंद होता है, लेकिन उस डक्ट का जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, वह बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होगा कि वो डक्ट वैसा का वैसा रहेगा, जन्म के 72 घंटे बाद भी वह अपने आप बंद नहीं होगा, 72 आवर के बाद तक भी वह वैसा का वैसा रहेगा, और बेबी के अंदर अपन को डिफेक्ट उत्पन्न करेगा, ठीक है। वो डिफेक्ट क्या उत्पन्न करेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल जितना भी सीएसडी कंजनल हार्ट डिसीज के केसेज होते हैं उनमें से 5 से 10% केसेज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के दिखाई देते हैं, पीडी के पेशेंट मिलते हैं 5 से 10% अपन को, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पीडीए का एक वीडियो है, वो वीडियो अपन देखेंगे पीडीए कैसे होता है बेबी के अंदर, किस प्रकार होता है, ठीक है। ये बेबी का नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, ये बेबी के जन्म से पहले की प्रक्रिया है वो बताइए। इसमें क्या होता है कि बेबी जो जन्म से पहले लंग्स का कोई रोल नहीं होता है ऑक्सीजन टेकिंग के लिए, वह क्या करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही, जो प्लेसेंटा के द्वारा ही वह ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ये जो संरचना है ये है डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। इस प्रकार अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में रहती है ओपन ये डक्ट, ये जन्म के बाद की प्रक्रिया बताई गई है।
देखो यदि ये डक्ट जो है 24 से 72 घंटे के बीच में ऐसे क्लोज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि क्लोज नहीं होता है तो उसे अपन पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस कहेंगे और बेबी के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स, कुछ प्रॉब्लम्स अपन को दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो था। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अओर्टा में उच्च दबाव और उपस्थित ब्लड पीडीए पेटेंट डक्टर आर्टरियोसिस से कम दबाव युक्त पल्मोनरी आर्टरी की ओर प्रवाह होता है लेफ्ट टू राइट शंट। मतलब क्या होता है कि अओर्टा के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर दबाव क्या होता है, जो प्रेशर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, लेकिन पेटेंट डक्टर आर्टरियोसिस से वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर कम प्रेशर रहता है, तो फ्लो किस तरफ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो यदि फ्लो रेट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा तो अपन को क्या दिखेगा कि अओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की ओर ब्लड फ्लो दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि O2 ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड पुनः फेफड़ों में संचरित होते हुए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की ओर पहुंचता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, अओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अओर्टा में गया, अओर्टा से ब्लड वापस कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, उसका प्रेशर अओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ था तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड गया, तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स से ब्लड वापस कहाँ आएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड अओर्टा में पहुंचकर शरीर में न पहुंचकर, ठीक है, क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस अओर्टा में पहुंचता है लेकिन शरीर में नहीं, बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और पीडीए के अंदर ऐसे ही प्रवाहित होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से ऐसे ही प्रवाहित होता रहता है। कैसे, के अओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वापिस लंग्स, लंग्स से वापिस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वापिस लंग्स, और लंग्स से यदि ब्लड जो है वह पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो वापिस कहाँ जाएगा, अओर्टा, और अओर्टा से वापिस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अपने को चौथी कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, तो चौथी कंडीशन ये देखने को मिलेगी कि हार्ट जो है वो राइट साइड का हार्ट का जो राइट साइड होगा उसको फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों, लेफ्ट साइड का फंक्शन कम हो जाएगा, लेफ्ट साइड का फंक्शन कम होगा या फिर लेफ्ट साइड का फंक्शन जो है वह नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नॉर्मल रहेगा लेफ्ट साइड का फंक्शन, लेकिन हार्ट का जो राइट साइड है उसके अंदर ब्लड जल्दी जल्दी आ रहा है तो उसका फंक्शन जो है वह बढ़ जाएगा। और एक और कंडीशन अपन को दिखेगी कि बॉडी के जितने भी अंग है वहां तक ब्लड जो है जितना पहुंचना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा, जबकि वो हार्ट और लंग्स के बीच में ही घूमता रहेगा। पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम देखेंगे पीडीए के, जिसका मोस्ट साइन एंड सिम्टम्स है साइनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। साइनोसिस क्यों, बॉडी ब्लूइश कलर की दिखेगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहेगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दिखेगा, टेकेपनिया दिखेगा, टेकीकार्डिया दिखेगा। टेकेपनिया और टेकीकार्डिया क्यों दिखेगा, के पेशेंट का हार्ट जो है वह बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, क्लबिंग ऑफ फिंगर, फिंगर क्लबिंग दिखेगा किसके कारण, टेकेपनिया के कारण या फिर साइनोसिस की कंडीशन के कारण क्लबिंग फिंगर दिखेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बेबी जो है उसकी ब्रीथ शॉर्ट हो जाएगी, लंग्स ज्यादा वर्क करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। ठीक है, बेबी का ग्रोथ भी वीक होगा और चेस्ट टाइटनेस, ये अपन को साइन ऑफ सिम्टम्स मोस्टली दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके मैनेजमेंट पर। ठीक है, मेलिगर मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को डायूरेटिक देंगे, ठीक है, फ्रूसेमाइड देंगे और सिप्रोनो लेक्टोन देंगे। ठीक है, डायूरेटिक्स क्यों देते हैं कि बॉडी के अंदर से जितना भी फ्लूइड है वो फ्लूइड जल्दी से जल्दी बाहर निकलेगा, फ्लूइड तो फ्लूइड बाहर निकलेगा तो हार्ट को कार्य भी कम करना पड़ेगा, इसलिए डायबिटिक्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन उसके लिए क्या करेंगे मैनेजमेंट, जो पीडीए के लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो वह है कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी समझा दिया, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे और ये जो है प्रोपराइलिटिक का एंटीबायोटिक अपन पेशेंट को देंगे, इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए अपन जो है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक पेशेंट को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, जो पीडीए का परमानेंट जो है वह मैनेजमेंट है। ठीक है, पीडीए लिगेशन, ठीक है, पीडीए लिगेशन कैसे करते हैं तो वो अपन देखेंगे,
वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है कि बेबी के जो अपन आर्टरी है, आर्टरी के द्वारा जो है ये क्या डालेंगे, कैथेटराइजेशन, कैथेटर इंसर्ट करेंगे इस प्रकार। ठीक है, कैथेटर इंसर्ट करेंगे वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो मैं आपके ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर भेज दूंगा, उसके अंदर आप क्लियरली देख लेना ये वीडियो पूरा। ठीक है, ये वीडियो जो है अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ये वीडियो भेज दूंगा, वहां पर आप क्लियरली जो है देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, तो ये पीडीए पैटर्न डक्टस आर्टरोसिस कंजनाइट हार्ट डिसीज का छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स स्टूडेंट, आप मेरे जो शामी इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, और सभी वीडियोज देख सकते हो। मैं अरविंद गौड़ आपका धन्यवाद करता हूँ।